हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरी शंकर पाल और आप सभी का जो है एग्जाम तक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो है 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को जो है आप मिस मत कीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है टेलीविज़न का संकेत जो है सामान्यतः कुछ दूरी के पश्चात जो है किसके कारण प्राप्त नहीं होता है। आपने घरों में जो देखा होगा टेलीविज़न, या जिसको DTH कहते हैं, कुछ दूरी पर अगर उसको रखेंगे तो वो सिग्नल को छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है यही आपको बताना है। तो वक्रता त्रिज्या के कारण, या फिर एंटीना की दुर्बलता के कारण, या फिर उसको संकेत नहीं मिलता, या फिर संकेत वायु में जो है अवशोषण हो जाता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की वक्रता त्रिज्या के कारण जो है उसको संकेत नहीं मिल पाता, इसीलिए जो है वो काम नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, आपने देखा होगा घरों में सुरक्षा फ्यूज लगा होता है, तो आपको बताना है सुरक्षा फ्यूज की जो है कार्य प्रणाली निम्नलिखित किस पर निर्भर होती है, किस पर निर्भर होती है, धारा की चुंबकीय प्रभाव पर, या फिर धारा का रासायनिक प्रभाव पर, या फिर धारा का परिणाम पर, या फिर ऊष्मा का प्रभाव पर। आपको जो है इन सभी को चुनना है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शन है, आपको जो है इन सभी का चुन के आंसर देना है। तो चलिए मैं सारे विकल्प आपको जो है शो करा देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर आप क्या क्या होगा इसमें देख लीजिए, या फिर चारों होगा, या फिर 1, 2, 3 होगा, या फिर 3 और 4 होगा, या फिर केवल 4 होगा। तो ये रहा क्वेश्चन। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 विकल्प यहाँ पर जो है सही हैं। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है एक विद्युत बल्ब है, उसमें जो है आपने देखा होगा टंगस्टन लगा होता है, तो उसके साथ साथ आपने पढ़ा होगा कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन गैस भरी होती है, तो ये क्यों भरी जाती है यही आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है बल्ब की आयु बढ़ जाएगी, इससे बल्ब क्या होगा फ्यूज नहीं होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी विद्युत की खपत जो है कम हो जाएगी, या फिर है उत्सर्जित प्रकाश जो है रंगीन हो जाएगा यानी दूसरे कलर चमकेगा, या फिर बल्ब की कीमत को जो है कम हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अगर उसमें आर्गन गैस भर देंगे तो जो है उसकी आयु बढ़ जाएगी और वो जल्दी फ्यूज नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है जब ताप्तदीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तब क्या होता है, ये बताना है। विद्युत ऊर्जा पूर्णतया प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, या फिर विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में बदल जाता है, या ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा जो है चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन के द्वारा जो है प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। तो आपके ऑप्शन है सूर्य, या फिर चंद्रमा, या फिर विद्युत बल्ब, या फिर तड़ित एवं मघ गर्जन यानी कि जो बादल चमकते हैं वो। तो कौन सा है जो है रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
सूर्य जो है इसका सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन जो है आपके सीडीएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो आपको बताना है हीटर की कुंडली जो है किससे बनी होती है। हीटर आपने देखा होगा घरों में रहता है, तो हीटर की कुंडली निक्रोम से बनी होती है या फिर टंगस्टन से या फिर ताम्र से या फिर लोहे की। तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर ए जो है निक्रोम की जो है कुंडली बनी होती है, क्योंकि ये ज़्यादा ऊर्जा को सहन कर सकता है और ये गलता नहीं है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ आपको बताना है किसी शुष्क सेल में जो है विद्युत का उत्पादन कहाँ से होता है। तो विद्युत का उत्पादन शुष्क सेल में कहाँ से होता है, यानी शुष्क सेल क्या होता है, बैटरी होता है। शुष्क सेल किसे कहते हैं, बैटरी को। तो रासायनिक ऊर्जा से होता है या फिर ऊष्मीय ऊर्जा से या फिर यांत्रिक ऊर्जा से या फिर नाभिकीय ऊर्जा से। तो इसका जो सही है बैटरी में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आप मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है नए वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। डेली मैं जो है 50 क्वेश्चन लाता रहता हूँ। तो आपको बताना है अगला क्वेश्चन है, कुछ समय रुकिए। ओके, कुछ समय प्रयोग में आने के बाद बड़े ट्रांसफार्मर जो है गर्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े ट्रांसफार्मर ज़्यादा समय कुछ दिन तक अगर चलाए जाते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, यही आपको बताना है। धारा ट्रांसफार्मर में ऊष्मा उत्पन्न होती है, आपके चार ऑप्शन हैं आपको चुनना है इसमें। ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिस की हानि होती हो जाती है या फिर शीतलन, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में तेल भरा होता है तो शीतलन के लिए प्रयुक्त द्रव जो है गर्म हो जाता है, या फिर तीन विकल्प आपके हैं, इनमें से चुनना है आपको। तो केवल एक होगा या दो और तीन होगा, या फिर एक और दो होगा, या फिर एक दो तीनों होगा, तो यही आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर एक और दो विकल्प जो है करेक्ट हैं। तो क्यों करेक्ट हैं, इसमें जो है धारा ट्रांसफार्मर में ऊष्मा जो है उत्पन्न होने लगती है और जो है ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिस की जो है हानि हो जाती है, इसीलिए जो है ये गर्म होने लगता है। इसमें जो है तेल तो हमेशा उबलता रहता है, तो ये विकल्प जो है इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो एक और दो इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको बताना है स्वच्छ जल में जो है विद्युत धारा पारित करने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में डाला जाएगा। स्वच्छ जल में विद्युत धारा पारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में डाला जाएगा, यानी कि आप देखते होंगे स्वच्छ जल में जो है करंट नहीं जाता है, स्वच्छ जल में जो है करंट नहीं जाता है, बल्कि आप गंदे जल में जो है करंट जो है जल्दी प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा पदार्थ जो है जल में डाल दिया जाए जिससे कि विद्युत धारा जो है बहुत तेज़ी से वहाँ उसमें फ्लो होने लगी। तो किरोसिन का तेल यानी का मिट्टी का तेल, या फिर सरसों का तेल, या फिर नींबू का रस, या फिर चीनी। तो इसका जो सही आंसर है, अगर आप शुद्ध जल में जो है नींबू के रस को डाल देंगे तो उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन काफ़ी सरल है, यहाँ आपको बताना है बंद कमरे में चालू रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा, नेट प्रभाव पर क्या पड़ेगा, यानी उसका ताप क्या हो जाएगा, कमरे का को ठंडा कर देगा या फिर कमरे को गर्म कर देगा या फिर यह औसत पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, यह तापमान को ऊपर नीचे करेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है, तो इसका राइट आंसर जो होगा
ऑप्शन नंबर बी, यह अगर जब दरवाज़ा जो है खोल दिया जाए तो यहाँ पर कमरे का ताप जो है रेफ्रिजरेटर बढ़ा देगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करिएगा। एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान जो है 6 kg है, तो 6 kg है और इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाता है तो कितना होगा। अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु जो है 6 किलो की है और उसको चंद्रमा पर अगर ले जाया जाए तो कितने केजी का हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो यहाँ पर उसका 1/10 कितना हो जाता है, 1/10 हो जाता है, तो वो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है कोई वस्तु अगर चंद्रमा पर जाती है। यानी कि मैं अगर 60 किलो का हूँ तो यहाँ पर मैं अगर चंद्रमा पर जाऊँगा तो 10 किलो का हो जाऊँगा, लेकिन उसमें क्या होगा, भार में कमी आएगी ना कि द्रव्यमान में। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। तो उसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, ना कि एक। तो एक ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, उसके भार में कमी आएगी ना कि द्रव्यमान में। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे रिलेटेड है, आप मोबाइल चलाते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है एक इनमें से क्या होता है, वो एक इन्वर्टर होता है या फिर UPS होता है। UPS आपने देखा होगा, UPS और ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है या फिर ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, चार्जर जो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर की भांति जो है कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है, शक्ति को बढ़ाता है। तो शक्ति को ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ाता है, तो गलत हो गया, वोल्टता को बढ़ा सकता है। हाँ, अगर मैंने देखा होगा घर में जो है आपने ट्रांसफार्मर रखा होगा, वोल्टेज वोल्ट को बढ़ा सकता है, वोल्ट को घटा भी सकता है। तो बी और सी जो है ऑप्शन सही दिख रहे हैं, तो यानी कि 3, 2 और 4, और धारा और वोल्टता को माप सकता है, नहीं माप सकता है, क्योंकि अमीटर जो है धारा को नापता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 जिसमें होगा वो करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं किसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 और 3। फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है जब आप एक विद्युत उपकरण से जुड़े प्लग को जो है निकाल देते हैं तो आप अक्सर देखते होंगे इसमें स्पार्क दिखाई देता है, करंट जो है ऊपर की ओर आपके हाथ की ओर बढ़ता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड इसका जो वजह है वो है धारिता की वजह से, वैद्युत धारिता की वजह से। धारिता क्या करता है, आपके करंट को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है माइका का यूज जो है कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो माइका का यूज कहाँ पर होता है, तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में जो है माइका का यूज किया जाता है। माइका क्या होता है, आपने देखा होगा आपके गांव में जो है एक होता है खंभा, तो खंभे में ऐसे ऐसे जो लगा होता है इसमें तार लपेटा होता है, तो यही होता है माइका। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा माइका क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है एक सौर सेल जो है बदलता है, क्या बदलता है, ऊष्मा ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल, या फिर सौर ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर ऊष्मा ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा से जो है
प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है। सौर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है, यानी कि किसमें जो है विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, तांबा में, लकड़ी में, पारद में या फिर एल्युमिनियम में। तो सभी जानते होंगे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपको बताना है, धातुएं विद्युत का वाहन क्यों करती हैं, धातुएं में जो है विद्युत क्यों जाती है, फ्लो क्यों होती है, कम गलनांक के कारण या फिर उच्च तन्य सामर्थ्य के कारण या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण या फिर उच्च परमाणु घनत्व के कारण। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आपको बताना है, कार्बन का एक अपरूप जो कि बिजली का जो है सुचालक है, तो हीरा भी कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी है, लिग्नाइट भी है, कोयला भी है, तो किसमें जो है विद्युत प्रवाहित होगी, सुचालक धातु सुचालक इसमें कौन सा होगा। तो ग्रेफाइट ऐसा एक कार्बन का अपरूप है जो कि क्या है विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो है किस पर निर्भर करती है, शरीर को चार्ज करने की प्रक्रिया पर या फिर एक तार के माध्यम से वर्तमान प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया पर या फिर एक चुंबक और एक तार के बीच एक सापेक्ष गति के कारण एक तार में प्रेरित धारा का उत्पादन के लिए या फिर एक इलेक्ट्रिक मोटर के एक तार के घूर्णन करने की प्रक्रिया पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको बताना है, इनमें से कौन शुद्ध धातु है, गिलास, सीमेंट, सोडियम या फिर कोई नहीं, यानी कि आपको शुद्ध धातु कौन सी है, तो यानी जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती। तो इसमें सोडियम देखा जाए तो शुद्ध धातु है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा बेसिक साइंस से है, आपको बताना है पेंडुलम की अवधि जो है किस पर निर्भर करती है, मास पर, लंबाई पर या फिर आयाम पर या फिर ऊर्जा पर। तो पेंडुलम की जो गति होती है वो लंबाई पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ट्रांसफार्मर जो है किसके साथ काम करता है, एसी करंट पर या फिर डीसी करंट पर या फिर दोनों या फिर कोई एक। तो ट्रांसफार्मर जो होता है एसी करंट पर काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पर। अगला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ आपको बताना है, लंबाई की माप इसमें क्या है, तो हर्ट्ज जो है आवृत्त की माप है, बाइट जो है कि ये कंप्यूटर में होता है, बिट भी कंप्यूटर में होता है, और मिलीमीटर जो है इस लंबाई को नापा जाता है। तो फ्रेंड ये थे हमारे 25 टोटल क्वेश्चन, उम्मीद है आपने जो है सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। यहाँ पर आपने कितने नंबर कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं कमेंट करके जो है हमें ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पर ज़रूर जोड़िए, क्योंकि मेरा चैनल जो है नया है, तो आप जो है इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में इलेक्ट्रीशियन के नए 25 क्वेश्चन के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।